इस समय की सबसे बड़ी खबर उड़ीसा के संबलपुर से, जहां एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें आपको, हमारे संवाददाता नंदिनी प्रधान की इस खास रिपोर्ट के अनुसार संबलपुर में कई दिनों से चल रहा था यह सेक्स रैकेट, जिस पर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। बताएंगे आपको पूरी खबर जो है उड़ीसा के संबलपुर की, जहां तीन ग्राहक एवं रानी मधुमक्खियों के साथ चार महिलाओं को रोक कर धनुपाली थाना अंतर्गत भत्रा में दीर्घ दिन से चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने में धनुपाली पुलिस को सफलता मिली है। उक्त घटना में पुलिस ने रानी मधुमक्खी के साथ तीन पुरुष एवं चार महिलाओं को रोक कर रखा है। अपने घर में रह के पेट पालने के लिए ऐसे कार्य रानी मधुमक्खी के द्वारा करे जा रहे हैं, ऐसा उनका खुद कहना है। विभिन्न स्थानों से लड़की एवं लड़कों को आकर कुछ समय बिताने के लिए वहाँ पैसे देते थे, ऐसी बात बोली गई है। आपको बता दें, यह पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। काफी दिनों से चल रहे इस सेक्स रैकेट का अब पर्दाफाश हो चुका है। धनुपाली पुलिस ने इस पर जांच करते हुए नकेल कसी है और वहां से लोगों को गिरफ्तार भी किया है। घटना स्थल पर रानी मधुमक्खियों का कहना था कि वह अपना पेट पालने के लिए लोगों के साथ ऐसा करवाने के लिए कुछ पैसे लेने की बात भी सामने आई है। इस विषय पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है और इस सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। घटना स्थल में कई गर्भ निरोधक दवाइयां, इंजेक्शन और बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्रियां पुलिस ने जब्त करी है। देखना यह होगा कि पुलिस इसकी तफ्तीश में और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसकी शिनाख्त में लगी हुई है। पुलिस जन नहीं करी कितना टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नंदिनी प्रधान की रिपोर्ट, संबलपुर उड़ीसा। जब किसी समस्या में इंसान फंसता है तो वह सबसे पहले प्रशासन की तरफ गुहार लगाता हुआ नजर आता है, पर यदि प्रशासन और वहां के आला अधिकारी ही इस बात का समर्थन ना करें तो आखिर व्यक्ति करे तो क्या करे। ऐसी एक खबर हमारे सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार किया है। हम बात कर रहे हैं आज उड़ीसा के डुंगरीपाली क्षेत्र की, जहां के एक टीएमसी केंद्र में सरपंच के द्वारा एक युवती के साथ अश्लीलता करने की बात सामने आई, परंतु जब युवती के द्वारा सरपंच की शिकायत करी गई तो कार्रवाई न होने पर इस युवती ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे यह बात दुनिया में जग जाहिर हुई है। युवती के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया है जिस पर उसने सरपंच के खिलाफ अभियोग किया है। हमारे संवाददाता शांतनु पंडा की इस खास रिपोर्ट के अनुसार सोनेपुर जिला डुंगरीपाली ब्लॉक अंधरी बजनी के पंचायत के टीएमसी सेंटर में एक युवती के साथ सरपंच ने अश्लील हरकत करी है। इसके बाद उस युवती ने वीडियो जारी कर सरपंच के ऊपर अभियोग किया है। आपको बता दें, यह कोयम्बटूर से वापस आई थी। कोयम्बटूर से आई हुई इस लड़की को टीएमसी केंद्र में रखा गया था, जहां वह अकेले रह रही थी। इसका फायदा उठाकर सरपंच ने नशे की हालत में संगरोधक केंद्र आकर युवती के साथ अश्लील हरकत करी और उसके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश करी है। युवती ने इस वीडियो के माध्यम से अभियोग किया है। सरपंच के कार्यकलाप और जान उत्पीड़न से परेशान होकर युवती ने पेट्रोलिंग कर रही है और पुलिस से मदद की गुहार लगा
लगाई है। ऐसी युवती ने एक वीडियो के माध्यम से अभियोग किया है सरपंच के कार्यकलाप और जान उत्पीड़न से परेशान होकर युवती ने वीडियो के माध्यम से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है। इस घटना के खिलाफ डुंगरीपाली ब्लॉक सरपंच संघ ने ब्लॉक के सामने धरना भी दिया है। युवती के इस अभियोग को बेबुनियाद बताया जा रहा है। अगर सरपंच के खिलाफ कोई कार्यानुष्ठान नहीं हुआ तो सरपंच संघ टीएमसी सेंटर बजरन करने की चेतावनी भी दी जा रही है। बता दें आपको कि संगरोधक केंद्र को बाहर से आए हुए लोगों के रहने के लिए और उनकी सभी व्यवस्थाओं के लिए बनाया जाता है। जैसा कि पूरा देश कोरोना महामारी को झेल रहा है, इस बीच संगरोधक केंद्र में हुई ऐसी घटनाओं से मानवता को शर्मसार कर देने की बात सामने आ रही है। उड़ीसा के डुंगरीपाली से यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां एक युवती का दर्द इस वीडियो के माध्यम से नजर आ रहा है। खैर, प्रशासन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही क्या सत्य है और क्या असत्य इस नतीजे पर पहुंचेगी। सुना सोनपुर डिस्ट्रिक्ट डुंगरीपाली ब्लॉक कुलथुपाली गाँव रंधारीवांगी पंचायत कोयमतूर काम करूली मुई आउ कोरोना भाईरस बढ़ला लगे मुझे आसली जिते गाँव के आसली जे क्वारंटाइन सेन्टर रहबाके पड़ला मोर पंचायत जेनटा कि रंधारीवांगी क्वारंटाइन सेन्टर मुझ से न रोली लेडीज मैंने कहीं नहीं रोता आउ मुझे एकला रोली गोटे क्वार्टर आउ मत सरपंच आज्ञा बहुत मिसबिहेव करते मद पान पीकर आसुले बहुत इड़ू सियाड़ू कहते खराब कथा कहते मत अलग क्वार्टर की भी डाकुले बहुत इड़ू सियाड़ू कहले आउ दिने मद पान पीकर आसिले दुई बजे आउ मत इड़ू सियाड़ू कहले कवाट पिटले मुझे जितेबाला बाहर चलो चलो भीतर के चलो तुमको कथाटे पचरावार अच्छे बोले यार कहले आउ भीतर के डाकिले जे मुई अलग कवाट रू खुलनी आउ बाहर के पलानी बाहर के पलानी जितेबाला गेट निके गली जे गेट न जड़े पिअन बसी नाम माधव से मैंने मत मना कले कि तुम्हें किसी ना कह कहा कि आज शुब जो घरे किसी ना हुए बोले यार कहले आउ क्वार्टर शुब जो कहले मुई पल आसनी क्वार्टर की यार जितेबाला रही चुप पड़ी आके आके कथा बहुत बढ़िया बसला बोले मुझे ना चुप पड़े बोली आर मुझे कहली पुलिस जितेबाला आसली पुलिस को भी कहली कि पुलिस मैंने कहले कि आम किसी हेदे कर पारूँ आउ तुम क्वारंटाइन सेन्टर रू बाहर जे किसी करम तुम क्वारंटाइन सेन्टर रू बाहर तुम जीव पुलिस स्टेशन सेनु कम्प्लेन करब बोले सेनु किसी एक्शन नहीं पार्मू आर आम हेदे किसी कही ना पार्मू बोल कहले आउ कथा बहुत आगे बढ़ूचे से मत कहवाके पड़ूचे आदि आपण मैंने किसी साहय नहीं करेंगे मुझे आशा कर किसी साहय करेंगे बोल कर आपण मैंने जब किसी साहय नहीं करेंगे मत बोले मो इज्जत रखा मुझे सुइसाइड करदेमी यहाँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शांतनु पांडा की रिपोर्ट, सोनपुर उड़ीसा। लॉकडाउन के समय पर्यटन स्थल को घूमना पड़ गया महंगा। इस बीच एक युवक की डूबकर मृत्यु हो गई, ऐसी खबर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र से, जहां हमारे संवाददाता राहुल साहू की इस विशेष रिपोर्ट के अनुसार पर्यटक घूमने के समय कुंड में डूबकर एक युवक की मृत्यु हो गई है। यह दुखद घटना सामने आई है, बताएंगे आपको पूरी खबर। इसमें लॉकडाउन के समय पर्यटन स्थल घूमना इस व्यक्ति को भारी पड़ गया। झरने की झील में डूबकर युवक की मृत्यु हो गई। इस समय प्रशासन की तरफ से कुछ पाबंदियां हटने के बाद आम लोगों की जिंदगी स्वाभाविक होने लगी है। इस दौरान कुछ युवकों ने मिलकर घूमने का प्लान बनाकर केंदुझर जिला के खंडहार जलप्रपात की ओर पहुंचे, जहां पर उन लोगों ने मिलकर दावत भी की थी। परंतु उस जलधार में नहाते समय असावधानी की वजह से झरने की गहराई में एक युवक जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथी ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु उसे बचाने में नाकाम रहा। संवाददाता का कहना है कि मृतक युवक का नाम सौरभ स्वाई है, जो कि केंदुझर शहर चरचौक का रहने वाला है। स्थानीय लोगों से सूचना पाकर पुलिस और अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर पहुंचे और उस युवक को मृत शरीर को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम करने के लिए केंदुझर जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घटना की जांच जारी रखी है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जलधार में सुरक्षा के अभाव में बार बार ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि प्रशासन की इस व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट, केंदुझर उड़ीसा। उड़ीसा के जगत सिंहपुर से एक खास खबर, जहां प्रवासी मजदूरों का अपने घर की तरफ आने का सिलसिला जारी है। सरकारें और राज्य सरकारें इस बात का प्रबंध करती हुई नजर आती हैं। परंतु इसी बीच एक खास खबर हमारे सामने आई है। संवाददाता मिलन जेना के अनुसार सऊदी अरब में फंसे हुए प्रवासी भारतीय मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक प्रवासी भारतीय जो कि सऊदी अरब के रियाद शहर में फंसा हुआ है, भारत लौटने के लिए यह गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। महामारी कोरोना के चलते सऊदी अरब में लॉकडाउन चल रहा है, फैक्ट्रियां
खाता बंद है। मार्च में उसके पास कोई भी काम नहीं है। मार्च से उसकी यह स्थिति देखने को मिली है कि वह बेरोजगार वहीं पर मौजूद है। उधर परिस्थिति काफी नाजुक है। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि उनका नाम राज अहमद है और वह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के बीरतोल ग्राम पंचायत रसलपुर गाँव का रहने वाला है। यह वीडियो के माध्यम से वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि उसे जल्द से जल्द उसके घर पहुंचा दिया जाए। सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास में भी संपर्क करने के बाद भी उसकी कोई सहायता अभी तक नहीं की गई है। उनके घर में उनकी पत्नी और छोटे बच्चे हैं। परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है। अभी उनका परिवार अकेला पड़ गया है और उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या इस पर सरकार या राज्य सरकार मदद करती है या फिर कोई और निष्कर्ष सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम राज अहमद खान है। मैं रसूलपुर पंचायत बिरतोलो थाना तिरतोल डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर से हूँ। मैं रियाद सऊदी अरबिया में काम करता हूँ। ये कोरोना की महामारी की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। मार्च से मैं जॉबलेस हूँ। कंपनी मेरी एग्जिट लगा चुकी है जो कि डेट 29 तारीख जून तक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द रियाद से उड़ीसा लिया जाए। माननीय नवीन पटनायक जी से और हमारे मोदी साहब से ये गुजारिश है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से लिफ्ट किया जाए। और मैं बहुत परेशानी में हूँ। ना तो सैलरी है, ना तो जॉब है, खाने की किल्लत पड़ी हुई है, खाने की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। सारे जहाँ से फ्लाइट भुवनेश्वर जा रही है बस रियाद से नहीं है। मैं एम्बेसी कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है। रोज़ कांटेक्ट करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है। ट्वीट भी करता हूँ, ट्वीट का भी रिप्लाई नहीं है। अब इस हालात में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरे घर में दो बच्चे हैं, बीवी हैं, जो कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला एक बंदा हूँ जो उनका सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से लिफ्ट किया जाए। थैंक यू। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मिलंजेना के साथ रंजन खुटिया की रिपोर्ट, जगत सिंहपुर, उड़ीसा। कभी कभी काल के आगे व्यक्ति को नतमस्तक होना पड़ता है, किंतु अगर जीवन की सबसे बड़ी खुशी के दिन पलक झपकते ही मातम में बदल जाए तो इससे बड़ी अनहोनी और क्या हो सकती है। खबर उड़ीसा के नुआपाड़ा से, जहां संवाददाता रितेश राठौड़ के अनुसार एक 9 साल की मासूम गुड़िया के जन्मदिन के दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खरियार निवासी दिव्य खंपरिया, उनकी पत्नी रीमा खंपरिया एवं उनकी 9 साल की बेटी वैष्णवी के साथ 7 जून को जन्मदिन मनाने मंदिर गए थे। मंदिर से लौटते समय सुबह करीब 10:30 बजे बोर्डन चौक के निकट एक ट्रक की चपेट में आ जाने से उनकी बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह कौन सोच सकता था कि आखिर जन्मदिन वाले दिन ही, जिस दिन लंबी उम्र की प्रार्थना करी जाती है, उस दिन ही उसका अंत समय होगा। बिटिया की जन्मदिन के दिन ही भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया। आपको बता दें, इस घटना से सभी की आंखें नम हो चुकी हैं और इस घटना के समय लोग गलती देखते हैं और किसकी चूक से घटना हुई है इस बारे में सोचते हैं, परंतु पहली बार इस हृदय विदारक घटना में सभी खरियार अंचलवासी स्तब्ध हैं। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यही सबकी कामना है। जिस ट्रक की चपेट में उस बालिका आई थी, वाहन का पंजीयन क्रमांक CG06GR7322 बताया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के बसना की है। घटनास्थल के मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बालिका के शव भेजा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रितेश राठौड़ की रिपोर्ट, नुआपाड़ा, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के मलकानगिरी से, जहां जिला माथली उत्कलम मणि गोपबंधु महाविद्यालय में महादुर्नीति का खजाना बन गया है, ऐसी शिकायत सामने आई है। भाजपा वरिष्ठ राजनेता कुणाल मिश्र के खिलाफ ऐसी शिकायत करी गई है। इस कॉलेज के आरंभ 1999 में हुआ था। शह विद्यार्थी यहां अध्ययन कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर विद्यार्थी गरीब श्रेणी के हैं, जिनके पास अत्यधिक पैसा नहीं है और उनका शोषण किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसी बात सामने आई है। उनसे जो फीस वसूली जाती है उसका हिसाब किताब प्रशासन ठीक से नहीं दे रहा है। इस कॉलेज की कमेटी में कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो इस कॉलेज को रोजगार का माध्यम बनाए हुए हैं। इन्हें दिमाग दे रहे हैं और इस कॉलेज के एक लेक्चर, जो कि इस महादुर्नीति के मास्टरमाइंड समझे जा रहे हैं, इस लेक्चरर का इस पूरे मामले का जड़त्व तो समझा जा रहा है। जो परीक्षा फीस, कॉलेज फीस लाखों रुपए विद्यार्थियों से वसूल रही है, उसका हिसाब किताब प्रशासन के पास है ही नहीं। विगत कुछ सालों से कॉलेज के विकास के लिए कितने रुपए आए हैं, उनमें से कितने दिन और कहां कहां खर्च हुआ है, इस बात का हिसाब भी कॉलेज के द्वारा नहीं दिया गया। कॉलेज में कोई भी पदवी खाली होती है तो प्रशासन बिना इश्तिहार के अपने पसंदीदा व्यक्तियों की भर्ती भी कर लेता है, ऐसी बात सामने आई है। आखिर प्रशासन के नाक के नीचे ऐसा क्यों हो रहा है और प्रशासन इसकी जाँच क्यों नहीं कर रहा? निरपेक्ष जाँच के लिए आह्वान दिया गया है। बार बार शिकायत होने के बाद
बावजूद भी इस पर कोई भी प्रतिकारी क्रिया नहीं होती है दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि शिकायत करने के बाद इस बार इस पर क्या प्रतिक्रिया करी जाती है या फिर ऐसे ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वर्तमान ये माथिली उत्कलमणि गोपबंधु महाविद्यालय दुर्नीतिर गोटे गंता घर पाल्टी जाइछि। ए कॉलेज रे शह शह छात्र छात्री अध्ययन करुछन्ति, जो भितर कि अनेक गरीब श्रेणीर छात्र छात्री अछन्ति सेमानकु आर्थिक शोषण करा जाउछि। ए कॉलेजर जो कमिटी रहिछि से कमिटी रे भितरे किछि एमिती प्रभावशाली व्यक्ति अछन्ति जो मान के कॉलेज को निज रोजगार रो गोटे माध्यम बनै दैछन्ति एवं सेमानकु इंधन जगौछन्ति। ए कॉलेजर जणे अध्यापक जे कि ए सबुर मास्टरमाइंड, जो परीक्षा फीस बाबद रे जॉइनिंग फीस बाबद रे लक्ष लक्ष टंका कलेक्शन होउछि तार कोनोसे हिसाब प्रशासन पाखरे नाही। विगत किछि वर्ष मध्यरे सरकार तरफ जहाँ उन्नयन पई जहाँ अर्थ आछि सेथिरे केते टंकार उन्नयन कार्य होइछि एवं केते से तथाकथित व्यक्ति मानकर पॉकेट को जाइछि ताहा मध्ये रेकर्ड भुक्त नहि। आउ गोटे कथा मध्ये एटी ए कॉलेज रे होउछि जेतेबेले मते कॉलेज रे किछि पोस्ट क्रिएट होउछि बिना एड रे सेमाने तांकर इच्छा मुताबक लोकंकु पोस्टिंग दउछन्ति जा द्वारा अयोग्य बळी योग्य व्यक्ति बळी पडुछि, अयोग्य व्यक्ति एठी निजुक्ति पाउछि। आउ गोटे विषय मध्ये मु एठी उल्लेख करबाक चाहूँचि, जदि सेमाने दाबी करुछन्ति जे कॉलेज रे सबकिछि ठीक चालछि ताहाले सेमाने गोटे निरपेक्ष तदंत पई आह्वान देउनाहांती काहीँकि बारंबार अभियोग हेला परे मध्य यार किछि स्थायी प्रतिकार होउनाही। सेथिपई मु समस्त राजनैतिक दल नेतृवृंद मानंकु मु निवेदन जणैबि जे दल मतरु ऊर्ध्वरे रही समस्ते एकत्रित होई ए कॉलेजर तदंत पई आमे प्रयास करिबा, कारण ए कॉलेज होउछि शिक्षार गोटे मंदिर। आउ गोटे कथा मुझे उल्लेख करी, एक कॉलेज रे जो कमिटी रही कमिटी रे दुई तीन जन व्यक्ति विशेष को छाड़ देले अन्य मानक एजुकेशन उपरे कोनोसी धारणा ही नाही। आउ ताट भी परितापर विषय है विगत वर्ष चंचकता करी से कमिटी को आउ तीन वर्ष पाई रेन्युअल कर दिया जाइछि। सेथिपाई प्रशासन को मु निवेदन जणाउछी यार गोटे तदंत हो एवं ए कॉलेज रे केते अर्थ आसुची से अर्थ को रास्ता रे खर्च होउची एटा को तदंत माध्यम रे यार गोटे सुविचार करा जाउ एवं जे माने दोषी सेमाने दंड पांतु। आउ आमर स्थानीय विधायक मान्यवर श्री बाका महोदय को मध्ये मु अनुरोध करी जे से कॉलेज मैटर रे टिके इंटरफेयर करंतु, काहीकि ना कॉलेज रो अनेक किछि क्षमता विधायक को कंट्रोल रे आसुची से मध्ये प्रशासन जेमिति तदंत करिवो सेथिपाई गोटे प्रयास करंतु। एवं शेषरे मु एतिकि अनुरोध करी जे जदि यार कोनोसी भी व्यतिक्रम हुए ताहेले ए अंचलर लोकप्रतिनिधि ए अंचलर युवगोष्ठी ए कॉलेजर अभिभावक आमे समस्ते एकत्रित होई गणतांत्रिक माध्यम रे आंदोलन करिबु एवं ए कॉलेज रे अनशन करबाकु बाध्य होबु, कारण आमे चाहूचु जो तथाकथित व्यक्ति मानकर कॉलेज गोटे रोजगार माध्यम हो जाइछि एटाकार रोजगार माध्यम न हो ए शिक्षार मंदिर रो शिक्षार मान उन्नत हो एवं जो शह शह छात्र छात्री एठी अध्ययन करबाक आसछन्ति सेमानकर भविष्य उन्नत धरणर। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मलकान गिरी से प्रभात शाह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज़।